नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सिरसा पहुंचे, इनेलो कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी सहित इनेलो विधायक सम्मेलन में पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का आह्वान किया। अतीत में भी इनेलो के सामने विकट परिस्थितियाँ थी। उन्होंने कहा, इनेलो कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से पार्टी को मजबूत किया है। हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपके बीच रहूंगा। उन्होंने कहा, 8 अगस्त को कोर्ट में तारीख है, 8 अगस्त को उनके पक्ष में आएगा फैसला। साथ ही उन्होंने कहा कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाओ, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का नाम लिए बिना निशाना साधा। कहा, नालायक लोगों से दूर रहने वाले होने चाहिए इनेलो कार्यकर्ता। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज सिरसा पहुंचे, डबाली रोड पर इनेलो कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने का काम आपको करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि अतीत में भी इनेलो के सामने विकट परिस्थितियां पैदा हो गई थी और इनेलो के कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत के बल पर पार्टी को मजबूत किया। इस मौके पर ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला का और दिग्विजय चौटाला का नाम लिए बिना कहा उन पर निशाना साधा। कहा, कार्यकर्ताओं से नालायक लोगों से दूर रहने का आह्वान किया। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वह कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को कोर्ट में तारीख है और उनके हक में फैसला आएगा। वहीं इस अवसर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सीएम मनोहर लाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कागजों में सीएम विंडो तो खोल दी है, लेकिन खिड़की खोलने का काम किसी को लाभ नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हर वर्ग के लोग मोदी सरकार से परेशान और निराश थे, लेकिन फिर भी वो परिणाम सामने आए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि इनेलो का गढ़ कहे जाने वाले सिरसा में इनेलो की हार हुई है, वह एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, फिर से एक बार कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ताओं वह इनेलो पर एक दूसरे पर भरोसा करें, तथा मुझे भी पूरा भरोसा है और आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं और खूब मेहनत करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। एक दिन में 3 जिलों की ब्रेकिंग मुझे लेनी है, निराशा को आशा में बदलने के लिए हम सब लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। मेहनत का फल मीठा होता है, मुझे इस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत करी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अपनी जो पेटेंट सीटें थी वो भी हम हासिल नहीं कर पाए। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि सरसा की रिजर्व सीट भी हम हार जाएंगे। सारे देश के लोग, चाहे कोई किसी भी वर्ग का था, किसी भी जाति का था, किसी धर्म और मजहब को मानने वाला था, चाहे किसी के कारोबार रोजगार के कोई भी साधन क्यों ना हो, मोदी की सरकार की वजह से सब लोग नाराज थे। सारे लोग सरकार की बुराई कर रहे थे, लेकिन परिणाम अजीब किस्म का निकला। हमें तो अब भी हौसला है कि हम विधानसभा में अपनी ताकत को फिर हासिल करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार जो है, उसको जीत के बाद भी एक निराशा है। वो हम समझते हैं कि अगर विधानसभा के चुनाव में साथ ही करा लेते तो शायद तुम्हारा भी दाव लग जाता। इसलिए उनकी निराशा जो कि त्यों कायम रहे, आप लोगों से मैं यही निवेदन करने आया हूं कि
कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे गर्व और फख्र है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे संगठनों के मुकाबले में ज्यादा मेहनती और जुझारू है। ये परिस्थिति जो आज आपके सामने है ये कोई पहली दफा नहीं है। अतीत में अगर हम झांक के देखें हम इससे भी ज्यादा विकट परिस्थितियों में से गुजरे हैं, लेकिन परिस्थिति को बदलना हम बड़ा आसान समझ के चलते हैं। इसलिए मुझे आपसे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप इन हालात को बदलेंगे। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये मान के चलो कि चुनाव अक्टूबर के महीने में निश्चित रूप से होंगे, तो उस हिसाब से तब आपके पास समय तो है ही नहीं। मैंने पहले जो बात कही थी आज फिर दोहरा के जा रहा हूं, चुनाव जब भी आपके घोषित होंगे मैं उससे पहले आपके बीच में आ जाऊंगा और चुनाव में आपके साथ। सरकार की नीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत डाली हैं, और भी प्रयास करेंगे। लेकिन अब कोर्ट के मामले में आपका फैसला है और 8 अगस्त की तारीख आपकी तय है। ये मान के चलो 8 अगस्त को फैसला आपके पक्ष में हो। सरसा जिला के चुनिंदा कार्यकर्ता आप सभी बैठे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर एक एक से परिचित हूं, मुझे आप पर बहुत विश्वास और भरोसा है। आपसे केवल 2 ही बात करूंगा, एक तो जो कोई साथी किसी कारणवश हमसे नाराज हो गया उसको पुचकार लो और उसको साथ लेने की कोशिश करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कई गलत किस्म के लोग जो पार्टी के हितैषी और हमदर्द नहीं है तो सत्ता की मौज लूटने वाले, इसलिए इस प्रकार के नालायक लोगों को दोबारा से हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे।